शिवराम कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड पंजीकृत दिल्ली प्रशासन दिल्ली ने अपनी वार्षिक आम सभा का आयोजन अपने कार्यालय HIG लेबर कॉलोनी सुल्तानपुरी नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम में संस्था ने अपनी सभी सदस्यों को मंच के माध्यम से मुख्य उद्देश्य व योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही साथ नए सदस्य बनाने के लिए उनको सोसाइटी की सदस्यता लेने के लिए नियम और शर्तें भी समझाई। इसके साथ पंपलेट पर लिखी हुई जानकारी भी उनको कार्यक्रम में वितरित की गई, ताकि नए सदस्य सदस्यता लेने के लिए परेशान ना हो। सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भक्ता ने बताया कि नई सदस्यता 2100 रुपए में ग्रहण कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नई सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे उपहार के रूप में 20 ग्राम चांदी का सिक्का दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें नियम लागू होंगी। इस वार्षिक मीटिंग के माध्यम से उन्होंने अपने सदस्यों को सोसाइटी के समस्त कार्यकलापों और योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। हमारी जो वार्षिक आम सभा है वो सेकंड वार्षिक आम सभा थी, और ऐसे ही हम लोग हर साल अपनी वार्षिक सभा को कंडक्ट करते रहेंगे, टाइम टाइम पर सदस्यों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। नया सदस्यता ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं, 2100 रुपीज़ पे करने होते हैं, और वैलिड आईडी प्रूफ जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की बैंकिंग कॉपियां देनी होती है उसको, और वो 2100 रुपये पे करके हमारे साथ एसोसिएट मेंबर बन सकता है। संस्था हमारी जो है 4 जनवरी 2017 में स्टार्ट हुई थी, जिसको आज लगभग 1.5 साल से अब हो चुके हैं, और ये लगातार अपने कार्य के प्रति अग्रसर होती रह रही है। शिवराम कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये सेकंड आम सभा थी। इन्होंने एक नॉमिनल 52 मेंबरों से अपनी संस्था शुरू की, और आज से 1.5 साल में इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रगति की है। जैसे इनकी सदस्यता को ले लें तो भी इन्होंने बहुत अच्छे सदस्य बनाए हैं, और जो इनकी फेयरवेल की जो काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ दी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यदि किसी सदस्य के यहाँ बेटी का जन्म होता है तो उस पर 1100 रुपये का इन्होंने वो रखा है, एक बहुत अच्छा है, और यदि किसी बेटी की शादी है तो उस पर रखा है। और दूसरा, जो इनके सदस्य पुअर फैमिली से हैं, और जैसे हमारी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो उनको किताबें और ड्रेस मुहैया कराती है, पर उस पर जो कॉपीज़ का और ज्योमेट्री का स्टेशनरी का खर्चा है वो भी इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। शिवराम कोऑपरेटिव सोसाइटी की दूसरी आम सभा है ये, और इसमें मुझे आने का तो प्रथम बार अवसर मिला है, और अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। जिस हिसाब से इन्होंने 1.5 साल में 52 मेंबरों से लेकर अब ये 125 लगभग 130 मेंबर तक आ गए हैं, और प्रगति बहुत अच्छी है, काफ़ी ज्वलनशील प्रगति है, और इसमें जितेंद्र भाई और उनकी टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सोसाइटी के सदस्यों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप ऐसे सदस्य, जितेंद्र कुमार भक्ता जी जो उसके अध्यक्ष हैं, ऐसे आदमी से जुड़े हो जो बहुत ही कर्मठ, बहुत मेहनती और बहुत साहसी है, निर्णायक कदम लेने में कोई देर नहीं लगाते हैं, और ऐसी सोसाइटी से आप जुड़े हो जिससे आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही ब्राइट। कार्यक्रम में बैठी ये जनता वही है जो सोसाइटी के साथ जुड़कर नई नई सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भक्ता, उपाध्यक्ष विष्णु कुमार भक्ता, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सदस्य धीरज कुमार गुप्ता, सचिव बबीता देवी, सदस्य इंद्रजीत तिवारी, सदस्य मनीषा कुमारी द्वारा कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ सोसाइटी के साथ जुड़े सभी वरिष्ठ नागरिक सदस्यों का भी सम्मान किया गया। यहाँ आकर के देख करके बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आज इनकी दूसरी वार्षिक आम सभा है, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे से अपने सदस्यों के साथ सुझाव रखे, उन सबको सुन करके बड़ा मन हर्षात और उल्लास से भर गया। इनकी उन्नति सुन करके बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से ये लोन बांटते हैं, किस तरह से सदस्यों को ये लोन देते हैं, किस तरह से इनकी व्यवस्था है। जिस तरीके से इन्होंने जिन संघर्षों से सोसाइटी को चलाई है, उस व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ का इलाका माहौल को देखते हुए, लग रहा है कि ये सोसाइटी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। यहाँ जितेंद्र भाई ने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, और ये जो शिवराम कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस प्रोग्राम में आ करके हमको काफ़ी अच्छा लगा, और ये सोसाइटी लोगों को धीरे धीरे वन बाय वन करके जोड़ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये सोसाइटी बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अंदर क्या, अगर लोन कोई लेता है तो उसको क्या ब्याज दर रखी जाएगी इसके अंदर? और 1.5% के आसपास है, जो कि ये 1.4 उनको वापस मिल जाता है, और 10 पैसे लगभग इनको मिलते हैं। इसके लिए ये कार्यालय में आकर के लोग संपर्क करते हैं, और जितेंद्र जी उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, और फिर वो अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके मेंबर बन जाते हैं।
इस तरह के कार्यक्रमों में सोसाइटी को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ सदस्यों को भी बहुत लाभ मिलता है। उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और सोसाइटी की गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। प्रिंस सोलंकी के साथ सन्नी गुप्ता, तेज निगाहें, दिल्ली।